हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये एक साइड है हम जहाँ रहते हैं गाइस। अचानक मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये पानी बह रहा है, झरना बह रहा है, लेकिन ये फॉग है, फॉग सुबह सुबह गाइस। ऐसा लग रहा है ना झील है, फॉग है ये ग्रीन एकर हिल सिटी की साइड पर हूँ मैं, एक साइड पे। सो गाइस, आज का मोटिवेशन है कि कैरेक्टर नहीं, क्रिएटर बनो। क्रिएटर कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी मुसीबतें आए। आओ इधर आओ बाबू, आओ, ये लो ये लो ये लो। क्रिएटर बनना है हमको, क्रिएटर। मेरे सब्सक्राइबर जो यूथ हैं उनके लिए है, ये सबके लिए है, स्पेशली उनके लिए है। तो हमको क्रिएटर बनना है, कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर हजारों लाखों करोड़ों हैं, क्रिएटर्स गाइस बहुत कम हैं। मैं आई हूँ यहाँ 2 साल हो गए हैं, एक साल तो बहुत प्रॉब्लम्स में गया आफ्टर कोरोना लॉकडाउन, फिर बच्चों के लिए जगह नहीं बॉम्बे में, फिर मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज, तो मुझे फिर बच्चों को अबेंडन नहीं करना था पाल कर इतने साल। तो यहाँ जगह मिली, मैं यहाँ आ गई। 1 साल तो बहुत ही परेशानी में गया, लेकिन मुझे मालूम था एक दिन अच्छा आएगा। कंसिस्टेंसी रहती है ज़िंदगी में, जैसे सुबह उठते ही मैं, एक भी दिन 8 महीने से ऐसा नहीं हुआ है जो वीडियो नहीं डाली है। तो आज मुझे वो उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। कंसिस्टेंसी गाइस, ध्यान रखिए, सुबह में थोड़ा एकांत में रहिए, अकेले रहिए, सोचिए व्हाई वी बॉर्न, हम क्यों पैदा हुए हैं। कुछ अपने लिए ही या कुछ और अच्छा भी करने के लिए। आ जाओ आ जाओ, चलो आओ। बच्चों के साथ ही बात करूंगी गाइस, मैं हमेशा बच्चों को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मेरे जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो बच्चों के साथ ही होंगी गाइस। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा गाइस, लेकिन मैं इन्हीं के लिए तो हूँ यहाँ पर। ये रहेंगे तो मैं बोल पाऊँगी। अभी आधे घर पे हैं। और हाँ गाइस, हिम्मत रखी मैंने अकेले 4 महीने, नो लाइट, पानी भी दूर से लाना पड़ता था, लाइट नहीं थी यहाँ। जहाँ मैं, जिस एरिया में मैं रह रही थी, अलग एक शेड डाल के, वहाँ लाइट नहीं थी, बाकी सब जगह लाइट है यहाँ। तो बाद में शिफ्ट हुई, फिर अब एक शेड बना रही हूँ डॉग्स के लिए, बारिश आने वाली है अगले महीने। हाँ बुकड़, हाँ बाबू, बोलो, ढूंढते हुए आ गए मुझे, पियूं पियूं करते हुए। ये देखिए, इसको 7-8 साल हो गए, इसको कहाँ अबेंडन कर देती मैं, बुढ़ी हो गई है वो अब। मम्मा है, नहीं मान जाओ, ये लो। शैतानी इतनी क्यों कर रहे हो मुझे, बात भी तो करने दो। वही है लाइफ में, संघर्ष बहुत है। जैसा कि मैंने बोला, 90% पर पहुंचकर हम हार मान जाते हैं कि छोड़ो, जाने तो नहीं हो रहा है,
और वो आने वाला जो टाइम होता है 10% का, वही होता है सब कुछ, उसी में है। कभी नहीं हार मानना जिंदगी में, गिव अप नहीं करना है गाइस, हार नहीं माननी है, तब तक लगे रहना है। मेरा सपना है इनके लिए एक छोटा सा, क्या बड़ा होगा अब तो, शेल्टर। आपकी इतनी सपोर्ट मिल रही है मुझे, प्यार मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहे हैं, बड़ा शेल्टर होगा। ये लो इधर आओ, आज छोटा हुआ है ना, एक साल में छोटा शेड हुआ है, कल बड़ा भी होगा। ये कहानी है गाइस नील सक्सेना की, जो जानवरों से बहुत प्यार करती है, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। ऐसा नहीं है लाइफ में कुछ किया नहीं है, अपनी लाइफ नहीं जी है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन बाद में ज़िंदगी का आफ्टर डेथ, ज़िंदा क्यों हैं, जी क्यों रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? सिर्फ खाने पीने और टीवी देखने, ऐसी चला के सोने के लिए तो नहीं आए हैं दुनिया में। तो गाइस अपने आप को पहचानिए, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन हैं, क्या हैं, उसके लिए एकांत बहुत ज़रूरी है। एकांत घर में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मेरी तरह 2 साल से जंगलों में भटको। मैं थोड़ा एक्सट्रीम पे करती हूँ जो भी काम करती हूँ, अपने लिए हो, इंसानों के लिए हो, जानवरों के लिए हो। तो आज का मोटिवेशन है, क्रिएटर बनो, कैरेक्टर नहीं, क्रिएट करो एक नया वर्ल्ड, जैसे मैं कर रही हूँ। आज से आपके सामने है मेरी जर्नी गाइस, शेड भी बनेगा, शेल्टर भी बनेगा, इनका हॉस्पिटल भी बनेगा, बिना बिजली बिना पानी, मोबाइल कहाँ चार्ज हो रहे हैं, किस किस के घरों में, 4 महीने गाइस पानी भर कर ला रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बताते रहूँगी आपको, मोटिवेट करते रहूँगी। शायद कुछ लोग हार ना माने, डिप्रेशन में ना आए, डिप्रेशन कोई सलूशन नहीं है गाइस, आता है सबको आता है, हम इंसान हैं, हमारी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए डिप्रेशन आता ही है। यहाँ गांव वालों को डिप्रेशन नहीं आता है गाइस, यहाँ बिल्कुल मस्त रहते हैं, उनको पता है खेत पे जाना है, भाकरी खानी है, मेहनत करनी है, गाय चरानी है, दूध पीना है गाय का, हेल्दी लाइफ जीनी है। आज इनको डिप्रेशन विप्रेशन कोरोना वरोना कुछ नहीं है। ये देखिए गूलर खाते हैं, ये सब्ज़ी बनती है इसकी, 100 बीमारियों को दूर करता है, तो इनको डिप्रेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, भागे नहीं जा रहे हैं ये पागलों की तरह। अब बड़ी गाड़ी, अब बड़ा बंगला, बड़ा घर, ये देखिए इनके घर, उसी में इनके पुश्तें निकल जाती हैं, और सिंपल अच्छी हेल्दी लाइफ जी कर जाते हैं 90-90 साल, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। चलिए गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दूसरी वीडियो में ऐसी चीज़ें लेकर आते रहूँगी मैं आपके लिए, और हो सकेगा मुझसे कोई बेटर लाइफ हो रही है, डिप्रेशन में नहीं है, कोई डिप्रेशन में है मुझे कमेंट करिए, मैं डिप्रेशन से निकली हूँ, बहुत गंदे वाले डिप्रेशन से। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ क्यों आई हूँ, भागने के लिए नहीं आई हूँ बॉम्बे, टीवी देखने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, बहुत देख लिया टीवी। बाय बाय गाइज़।